जय बाबा श्री मणिमहेश जी की। हाँ जी, जय भोले जी की। जय भोले जी की। हाँ जी भैया, और यात्रा हो गई? हाँ सर, ये यात्रा हो गई हमारी, बड़ी अच्छी यात्रा हुई है। बहुत अच्छी। अभी हम पठानकोट से बरमोर से हरसर, हरसर से रात को 1 बजे निकले थे। पुलिस वाले कोई कोरोना कोड या कुछ नहीं मांगते, इंजेक्शन वगैरह बोलते ना। आपने एक बार बोला था हमसे ये मांगा वो मांगा, हमसे कुछ नहीं मांगा। आप यात्रा पे कब गए थे? ऊपर सर हम पहली तारीख को गए थे। 1 तारीख को गए थे, किसे रोका नहीं आपको? नीचे बोला पुलिस के नाके लगे हुए। सर हमें बरमोर में किसी ने, एक दो ने बोला रास्ते में, बरमोर का किसी ने रोका। अच्छा। ये बोला कि हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं, ये बोला था। अच्छा। बाकी ये कोरोना की रिपोर्ट या ऐसा कुछ नहीं, कहाँ पे जा रहे हैं, मणिमहेश जा रहे हैं, नहीं है ऐसा कुछ नहीं बोला। और रास्ते में हमें टैक्सी वाले ने बोला कि आगे पुलिस के 3 नाके है बरमोर से हरसर तक। अच्छा जी, ठीक है। तो हमें रात को 1 बजे बोला, हमने 600 रुपए दिया, हमने ऐसे तो 200 रुपए उसको एक्स्ट्रा दिया नाका पार कराने का, पुलिस वाले को। ओ, टैक्सी वाले को, पुलिस वाले को, टैक्सी वाले को। अच्छा, तो वो ना वहाँ पे रात को 1 बजे सोए हुए थे वो टैक्सी वाले, तो सॉरी माफ करना, पुलिस वाले सोए हुए थे। तो वो हम निकल के 1 बजे हमने यात्रा शुरू किया, जो गेंद वाला रास्ता ना उसने नहीं जाना चाहते क्योंकि वो रास्ता आगे जाके टूटा हुआ है। अच्छा अच्छा, यहाँ से सीधे चढ़ जाते ना हम, कहाँ से जाना? गेट वाला, गेट वाले रास्ते से नहीं जाना, वो आगे जाके टूटा हुआ है, क्यों नीचे से रास्ता यहाँ से कच्चर जाती है। हाँ हाँ, वो रास्ता सही है। अच्छा जी, और वो रास्ता सही है। आगे जाके 1-2 घंटा हमने वेट की, 1-2 बंदे, 6 बंदे हम थे, 1-2 बंदे और मिल गए हमें, 10-12 बंदे करके हम फिर ऊपर निकल गए रात को। तो और जो फुहारा मार गया ना, उसका भी आगे जाके पुल टूटा हुआ। आपने जाना यहाँ भैरो जाना, हमेशा भैरो घाटी जाना, उसने रास्ते में दुकाने की है ना ही भैरो, माफ करना, बांदर घाटी जाना आपने। अच्छा अच्छा, क्योंकि जो भैरो घाटी का रास्ता ना वो भी आगे खराब है, और जो फुहारा मार गया ना उसका भी आगे जाके पुल टूटा हुआ। अच्छा अच्छा, एक ही रास्ता आपको जाने के लिए बांदर घाटी का, जाने का भी और आने का भी। बांदर घाटी का रास्ता ठीक है, आपका कहने का मतलब बांदर घाटी का रास्ता बेटर है। अच्छा अच्छा, इसमें रास्ते में 1-2 दुकानें भी मिल जाएंगी आपको, तो ऊपर जाके जो टेंट है वो 250-300 रुपए लेते हैं, विद एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते, वो 250 या 300 लेते हैं, खाना भी बीच में देंगे आपको। अच्छा, खाने वाने की कोई दिक्कत नहीं है? मतलब खाने वाने कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 टेंट है, वो खुद ही आवाज देते हैं, जो अगर आप ऊपर रुकोगे वहाँ पे 200 रुपए लोगे शिवकुंड में, और गोरीकुंड में आपसे 250 रुपए लेंगे, बीच में खाना देंगे आपको। तो कहने का मतलब रहने बहने की कोई बात नहीं। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि जाना चाहो तो रात को 1-2 बजे वहाँ से लोकल टैक्सी वाले से बात करके निकल सकते हैं ना? निकल सकते हैं। और हम वापस आ रहे थे ना, जाते जाते हमें 8-10 जाने मिले, लेकिन आते जाते वापसी भी हम 100-150 लोग मिले हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब यात्रा चल रही है, इसका मतलब कोई दिक्कत वाली बात? यात्रा चल गई है, लेकिन पुलिस वाले जो दिन में जाते हैं उनको 1-2 बार तंग करते हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, नहीं जाना है। हाँ, तो रात को 2-2.5-3 में, हाँ रात को 2-2.5-3 में निकलो, के बाद तो कोई भी नहीं पूछता ना वहाँ पे। अच्छा अच्छा, रात को 1 बजे निकलो, बस 1 बजे निकलो। चलो, आपने कुछ वीडियो बनाई है वहाँ की? हाँ सर, वीडियो बनाई है, मैं डाल देता हूँ। चलो शेयर कर दो, मैं आपकी रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ, बाकी भक्तों को मदद मिल जाएगी। ठीक है प्रभु जी, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है जी, जय भोले जी की, जय भोले जी, जय बाबा श्री मणिमहेश जी की।